भगवान को किसने देखा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का नाम लेते ही हर किसी के मन में मनमोहक मुस्कुराहट और चेहरे पर चमक वाले अरुण गोविल, सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया का चेहरा उभर आता है, और इसका श्रेय जाता है श्री रामानंद सागर जी को, जिनके अथक प्रयासों की वजह से आज देश का बच्चा बच्चा अपने प्रिय भगवान श्री राम के चरित्र और उनकी अद्भुत लीलाओं के बारे में जान सका। और इसके लिए ये देश सदैव उनका आभारी रहेगा कि उन्होंने रामायण के रूप में इतना अद्भुत सीरियल हमें बनाकर दिया। दोस्तों, रामानंद सागर जी के रामायण सीरियल से जुड़े कई किस्से आपने सुने और देखे होंगे और उन्हें खूब पसंद भी किया होगा। अब इसी क्रम में हमें रामायण की शूटिंग के दौरान के कुछ ऐसे किस्से पता चले हैं जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। इसके अलावा हमें रामायण की शूटिंग के दौरान क्लिक की गई कुछ फोटो भी मिली है जो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। तो आइए जानते हैं रामानंद सागर की रामायण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। रामायण की शूटिंग और आर्ट डायरेक्शन। रामायण का आकर्षक सेट, पात्रों की पोशाक, हथियार और साउंड आदि देखकर ऐसा लगता है मानो पूरी की पूरी घटना सच में आंखों के सामने घट रही हो। और इसका कारण कलाकारों का प्रदर्शन, ड्रेस का सिलेक्शन और स्टूडियो का सेट है। आपको बता दें कि रामायण की शूटिंग गुजरात के उमरगांव के वृंदावन स्टूडियो में हुई थी। स्टूडियो के तत्कालीन मालिक, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित और दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित स्वर्गीय हीराभाई पटेल ने रामायण की शूटिंग में अहम भूमिका निभाई थी। वे रामायण, विक्रम बेताल और सियासम बत्तीसी के अलावा 300 से अधिक धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों व सीरियल के आर्ट डायरेक्टर रह चुके हैं। रामायण का पूरा सेट, वेशभूषा, पात्र, युद्ध, बैठक, शयन कक्ष, लंका और रथ आदि स्वर्गीय हीराभाई पटेल ने ही डिजाइन किए थे। हीराभाई पटेल जी के बेटे विपिन पटेल के अनुसार उनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1942 में हुई थी। इसके बाद उन्होंने 1948 में देश के आजाद होने के बाद हुआ सवेरा फिल्म को प्रोड्यूस किया था। हीराभाई पटेल जी ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की थी। उन्होंने हर भाषा की फिल्म में आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया, साथ ही वे उस समय ट्रिक फोटोग्राफी भी किया करते थे जिसने रामायण की शूटिंग में चार चांद लगा दिए थे। उस समय गुजरात में शूटिंग स्टूडियो बनाने के लिए सरकार की सब्सिडी स्कीम आई जिसमें हीराभाई पटेल को 40 एकड़ जमीन पर स्टूडियो बनाने का आइडिया आया। इस तरह इस स्टूडियो की स्थापना हुई। ये स्टूडियो समुद्र किनारे पर है और इसमें अलग अलग लोकेशन है। रामायण में दिखाई जाने वाले समुद्र के सीन भी इसी स्टूडियो में शूट किए गए हैं। रामायण के बाद श्री कृष्णा धारावाहिक की शूटिंग भी इसी स्टूडियो में हुई थी। स्वर्गीय हीराभाई पटेल के बेटे और वृंदावन स्टूडियो के मालिक विपिन भाई पटेल ने बताया था कि पिताजी और रामानंद सागर अच्छे दोस्त थे। पिताजी ने रामायण के कई कैरेक्टर्स के सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाई थी। कई मामलों में रामानंद सागर उनके पिताजी से सलाह मशवरा करते थे और उसके आधार पर ही आगे की तैयारी की जाती थी। उन्होंने बताया कि रामायण की शूटिंग 1985 से शुरू होकर 5 साल तक चली थी। उस समय रामायण की शूटिंग के लिए स्टूडियो का किराया शिफ्ट के आधार पर लिया जाता था। 8 घंटे की शिफ्ट के लिए 2000 रुपए किराया था। इसके अलावा कैमरामैन, असिस्टेंट, स्टूडियो असिस्टेंट और डायरेक्टर्स के रुकने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। रामायण के बाद जय हनुमान सीरियल, जय माँ वैष्णो देवी जैसे कई सीरियल की शूटिंग भी वहीं पर हुई जो हिट रहे थे। विपिन भाई पटेल बताते हैं कि हमारे स्टूडियो में ही सारे दृश्य फिल्माए गए थे, चाहे वो आश्रम का सीन हो, जंगल का सीन या युद्ध का सीन या फिर समुद्र का सीन, सभी को पिताजी ने ही डिजाइन किया था। विपिन बताते हैं कि सेट को कैसा दिखना चाहिए इस पर रामानंद सागर, पिताजी और कुछ अन्य लोगों से पहले चर्चा करते थे। इसके बाद पिताजी पेंटिंग के द्वारा उसे दिखाने की कोशिश करते थे कि वो दिखने में कैसा लगेगा या किन रंगों का उसमें प्रयोग होना चाहिए। सेट बनने के बाद उसे ट्रिक फोटो या वीडियोग्राफी से छोटा या बड़ा दिखाया जा सकता था। आपने देखा होगा कि रामायण के एक सीन में रावण महल की बालकनी में आकर कुंभकर्ण से बात करता है, उसमें महल की काफी ऊंचाई दिखाई गई है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उस महल की ऊंचाई असल में महज 4 फीट के आसपास थी, जिसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब इस पेंटिंग में आपको अशोक वाटिका दिखाई दे रही होगी। विपिन बताते हैं कि अशोक वाटिका के सीन पर पहले डिस्कशन हुआ तो मेरे पिताजी ने ये पेंटिंग तैयार की और रामानंद सागर को बताया कि इस तरह की अशोक वाटिका होनी चाहिए। रामानंद सागर को ये डिजाइन काफी पसंद आया और इस तरह की अशोक वाटिका बनाई गई। इसी तरह सीरियल के कॉस्ट्यूम, जेवर, हथियार आदि भी पेंटिंग से बनाए जाते थे और उसके बाद उन्हें डिजाइन कराया जाता था। इस बात पर गुस्सा हुए थे राम। विपिन भाई पटेल बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब रामायण का प्रसारण शुरू हो चुका था और लोग राम, लक्ष्मण, सीता के रूप में अरुण गोविल, सुनील लहरी
और दीपिका चिखलिया को जानने लगे थे। इस दौरान 80 साल की एक बुजुर्ग महिला सेट पर स्थित अरुण गोविल के कमरे में चली गई और उनकी नींद खराब कर दी। जैसे ही वे उठे तो वह सीधा जाकर अरुण गोविल के पैरों में गिर गई। महिला को वहां देखकर अरुण गोविल को काफी गुस्सा आया और उन्होंने ऑफिस में आकर मैनेजमेंट से इस बारे में शिकायत की कि एक महिला ने कमरे में आकर उनकी नींद खराब कर दी है। इस पर पिताजी ने उन्हें समझाया कि ये बूढ़ी महिला आपको भगवान राम मानती है और इसी कारण आपके दर्शन के लिए भावुकतावश आ गई। इसके बाद अरुण गोविल का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने उस बुजुर्ग महिला से बात की। विपिन भाई पटेल बताते हैं कि रावण का रोल किसे दिया जाए, इस पर काफी संशय था। जब रामानंद सागर जी ने हीरा भाई पटेल से पूछा कि रावण का रोल किसे दिया जाए, तो उन्होंने अरविंद त्रिवेदी का नाम सुझाया। इसका कारण ये था कि वे अरविंद त्रिवेदी को विलेन के रूप में एक गुजराती मूवी में देख चुके थे, साथ ही वे थिएटर आर्टिस्ट भी थे। इसके बाद उन्हें बुलाया गया और रामानंद सागर ने उनकी डायलॉग डिलीवरी देखते ही रावण के रोल के लिए उन्हें फाइनल कर लिया। आपको बता दें कि अरविंद त्रिवेदी शिव भक्त थे और वे रोजाना सेट पर आने से पहले शिव आराधना किया करते थे। रामायण में रामेश्वरम सीन की शूटिंग के बाद एक पंडित जी भोपाल मध्य प्रदेश से 2 शिवलिंग लेकर रामानंद सागर को भेंट करने आए थे। इस पर उन्होंने मान लिया कि साक्षात भगवान शिव उनके पास चलकर आए हैं, इसीलिए उन्होंने स्टूडियो में और पास के गांव में शिव मंदिर बनवाकर शिवलिंग की स्थापना करवाई। अरविंद त्रिवेदी जी रोजाना इस शिवलिंग की पूजा करते थे और उसके बाद ही शूटिंग पर जाते थे।